राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 रविवार को आ रहा है, तो आइए फ्रेंड्स फिर करवा चौथ की कथा देख लेते हैं। करवा चौथ की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की अकेली बहन थी, इसलिए सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। शादी के बाद वीरवती ने करवा चौथ का पहला व्रत रखा। चूंकि यह व्रत उसका पहला व्रत था, वह पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर उपवास कर रही थी। शाम होते होते उसे बहुत अधिक भूख लगी और प्यास भी लगने लगी, लेकिन यह व्रत तोड़ने के लिए चंद्रमा के दर्शन करना चाहती थी। वीरवती की इस हालत को देखकर उसके भाइयों ने उसकी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। भाइयों ने पीपल के पेड़ के पीछे एक आईना लगा दिया और ऐसा प्रतीत करवाया जैसे चंद्रमा निकल आया हो। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर बिना चंद्रमा को देखे पूरी तरह से देखे ही भोजन कर लिया। जैसे ही उसने पहला कोर खाया, बुरी खबर मिली कि उसका पति मृत्युशैया पर है। यह सुनकर वीरवती बेहद दुखी हुई और उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या को देखकर देवी माँ प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसे बताया कि उसने बिना चंद्रमा के दर्शन किए भोजन कर लिया है, जिससे उसका व्रत भंग हो गया है और उसके पति की यह दशा हुई है। देवी माँ ने उसे एक साल तक करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करने का आदेश दिया। वीरवती ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ अगले साल तक करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दे दिया और इस प्रकार उसका व्रत सफल हुआ। तब से सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती आ रही है। दूसरी कथा। एक और कथा के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति नदी में स्नान कर रहा था कि एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपनी पतिव्रता धर्म के बल पर मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास जाकर अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। यमराज ने पहले तो करवा की प्रार्थना को अनसुना कर दिया, लेकिन जब करवा ने यमराज को श्राप देने की धमकी दी तो यमराज को करवा की सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसी कारण करवा चौथ पर व्रत सुहागिनें स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करती है। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो शेयर भी करें।